नमस्कार दोस्तों दोस्तों बात बहुत पुरानी है। दशहरा बीत चुका था, दीपावली पास थी। हम कुछ दोस्त पार्क में बैठे गप्पे मार रहे थे और उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था। पार्क में काफी बच्चे भी इस मौसम का मजा ले रहे थे। तभी कुछ युवक युवतियां एनजीओ टाइप की टोली हमारे पार्क में आई। उन्होंने वहां खेल रहे बच्चों को अपने पास बुलाया और कुछ प्रश्न पूछे। हम सभी भी उनके क्वेश्चन आंसर सुनने लगे, किंतु एक प्रश्न पर सभी में सन्नाटा छा गया। उन्होंने पूछा, जब दीपावली भगवान श्री राम के 14 सालों के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है, श्री राम की पूजा क्यों नहीं होती? प्रश्न पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस समय कोई सोशल मीडिया तो था नहीं, स्मार्टफोन भी नहीं थे, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए तब सन्नाटा चीरते हुए हम में से एक का हाथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए ऊपर उठा। हमने बताया कि दीपावली उत्सव दो युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान श्री राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या से लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली है। इसलिए इस पर्व के दो नाम है, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है और दूजा दीपावली जो त्रेता युग से प्रभु श्री राम और दीपों से जुड़ा है। हमारे उत्तर के बाद थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि किसी को भी उत्तर नहीं पता था। यहाँ तक कि प्रश्न पूछ रही टोली को भी नहीं पता था। खैर, कुछ देर बाद सभी ने खूब तालियां बजाई। बाद में पता चला कि वह टोली आज की शब्दावली अनुसार लिबरल्स यानी वामपंथियों की थी, जो हर पार्क में जाकर बच्चों और युवाओं के मस्तिष्क में यह बात डाल रही थी कि लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या है, जब दीपावली श्री राम से जुड़ी है। कुल मिलाकर वह लोगों का ब्रेन वॉश कर रही थी, लेकिन हमारे उत्तर के बाद वह टोली कहां गायब हो गई पता ही नहीं चला। उन्होंने एक और प्रश्न भी किया था कि लक्ष्मी और श्री गणेश का आपस में क्या रिश्ता है और दीपावली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है। इसका भी मैंने आंसर दिया, लक्ष्मी जी जब सागर मंथन में मिली और भगवान विष्णु से उनका विवाह किया, तो उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया, तो उन्होंने धन को बांटने के लिए मैनेजर कुबेर को बनाया। कुबेर कुछ कंजूस प्रवृत्ति के थे, वे धन बांटते नहीं थे, स्वयं धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी परेशान हो गई, उनकी संतान को कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तुम मैनेजर को बदलो। माँ लक्ष्मी बोली, यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें श्री गणेश जी को दीर्घ और विशाल बुद्धि का प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने श्री गणेश जी को धन का डिस्ट्रीब्यूटर बनने को कहा। श्री गणेश जी ठहरे महा बुद्धिमान, वे बोले, माँ मैं जिसका भी नाम बताऊंगा आप उस पर कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं। माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी। अब श्री गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न यानी रुकावट को दूर करके उनके लिए धनागमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी ही बनकर रह गए, श्री गणेश जी पैसा सैंक्शन करवाने वाले बन गए। गणेश जी की दरियादिली देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग ना हो, वहाँ उनका पुत्र वत गणेश उनके साथ रहे। दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को, भगवान विष्णु उस समय योग निंद्रा में होते हैं, वे जागते हैं 11 दिन बाद। देव उठावनी एकादशी को माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है। शरद पूर्णिमा से दीपावली के बीच के 15 दिनों में तो वे संग ले आती हैं श्री गणेश जी को, इसलिए दीपावली को लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। दोस्तों, ये कैसी विडंबना है कि देश और हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार का किताबों में इसका जिक्र तक नहीं है और जो जानकारी है वह अधूरी है। इस वीडियो को देखकर खुद भी दीपावली और लक्ष्मी गणेश जी के पूजा के इतिहास के बारे में जानें और अपनी अगली पीढ़ी को बताएं और दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। आपका एक शेयर ना जाने कितने लोगों को इसके बारे में जानकारी देगा। जय श्री राम।